Dear students, a very warm welcome to all of you in by today's lecture of operations research. In today's lecture, we will discuss upon the topic numerical on expected monetary value. जैसा कि previous lecture में हमने expected monetary value के concept को discuss किया था और किस तरह से EMV के regarding problem को solve किया था है, इसके process को भी हमने discuss किया था. आज के lecture में हम discuss करेंगे about the numerical on EMV. The question is as follows. The manager of a flower shop promises its customers delivery within 4 hours on all flower orders. All flowers are purchased on the previous day and delivered to Parker by 8 a.m. the next morning. The daily demand for roses is as follows. So, demand de rakhi yahan par roses ki, dozen of roses, 70, 80, 90, 100 and probability is given 0.1, 0.2, 0.4 and 0.3 respectively. The manager purchases roses for rupees 10 per dozen and sells them for rupees 30. All unsold roses are donated to a local hospital. How many dozens of roses should Parker order each evening to maintain its profit maximum? What is the optimum expected profit? So this is the question. यहाँ पर question दे रखा है आपको. मैं एक बार इसको describe कर देता हूँ question को. Flower shop में एक manager है जिसे अपने customers को flower ऑर्डर की डिलीवरी प्रोवाइड करनी है 4 आवर्स के अंदर ही अंदर. ठीक है, जितने भी फ्लावर्स हैं उनको एक दिन पहले ही परचेज किया जाता है और 8 बजे तक पार्कर को डिलीवर कर दिया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग में. डिमांड दे रखी है रोजेस की, 70 डोजन्स की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 80 डोजन्स की 0.2 प्रोबेबिलिटी है, 90 डोजन्स की डिमांड रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 100 की प्रोबेबिलिटी है 0.3. अब जो मैनेजर है वो रुपीज 10 पर डोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रोजेस को परचेस करता है और रुपीज 30 पर डोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल करता है, और जब जो भी रोजेस सेल नहीं होते हैं उनको लोकल हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया जाता है. तो प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर आपको ये डिटरमाइन करना है कि पार्कर को हर इवनिंग को कितने डोजन्स ऑफ रोजेस का ऑर्डर देना चाहिए जिससे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज रहे. तो हमें ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम निकालेंगे अबाउट द मार्जिनल प्रॉफिट. मार्जिनल प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज मार्जिनल प्रॉफिट. मार्जिनल प्रॉफिट देख लेते हैं यहाँ पर कितना है, 30 रुपये का फल परचेस कर रहा है तो सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा. सेल प्राइस में से जब मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा तो मार्जिनल प्रॉफिट आएगा. 30 रुपये का सेल कर रहा है और 10 रुपये का परचेज कर रहा है तो ये इसको फायदा हो रहा है रुपीज 20 पर डोजन का. ठीक है, और हम निकालते हैं मार्जिन लॉस क्योंकि सेल भी नहीं होता है. अगर सेल नहीं होता है तो उस केस में मार्जिन लॉस कितने का होगा, मार्जिन लॉस होगा रुपीज 10 क्योंकि 10 रुपये का खरीदा है हमने, अब वो सेल नहीं हुआ तो 10 रुपये उसके लॉस में जाएंगे तो ये रुपीज 10 पर डोजन का हो गया इसको मार्जिनल लॉस. ठीक है, अब निकालते हैं हम यहां पर कंडीशनल प्रॉफिट. सो कंडीशनल प्रॉफिट दैट विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, यानी कि जो आपका मार्जिनल प्रॉफिट है इसको तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ रोजेस सोल्ड और इसमें से माइनस करूंगा मार्जिन लॉस इनटू लॉस किस पे होगा, नंबर ऑफ रोजेस नॉट सोल्ड. तो रोजेस नॉट सोल्ड, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा और इस फॉर्मूले का प्रॉपरली यूज करते हुए हम कंडीशनल पे ऑफ वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे. तो हमारी जो रिजल्टिंग कंडीशनल प्रॉफिट वैल्यूज होंगी, द रिजल्टिंग कंडीशनल प्रॉफिट, और इसके बाद हम निकालेंगे इसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसके बेसिस पर हम ईएमवी की वैल्यू निकालेंगे. एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विल बी कंप्यूटेड as follows.
तो इसको कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल कुछ इस तरीके से आपकी ड्रॉ होकर आएगी। यहाँ मैं टेबल को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस विल बी द टेबल, ठीक है। ये एक फॉर्मेट आपको ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से इसका, ठीक है। अब फॉर्मेट को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ किस तरह से फॉलो करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इस कॉलम में डिमांड फॉर रोजेस, क्योंकि जो 70, 80, 90, 100 है यही डिमांड होगी और यही आपके कंडीशनल, यही आपके कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएंगे 70, 80, 90, 100, ठीक है, क्योंकि ये परचेज डिसीजन है। अब इसके करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी रखी है, उसको मैं यहाँ नोट करूँगा। फिर इस वाले बॉक्स में मैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को निकालूंगा ड्यू टू कोर्स ऑफ एक्शन 70, 80, 90 एंड 100, और इसके लिए मैं PI यानी कि प्रोबेबिलिटी को PI यानी कि कंडीशनल प्रॉफिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर इनका टोटल यहां पर निकाल के हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की टोटल को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नोट कर लेते कितनी कितनी दे रखी है, दैट इज गिवन यू 0.1, 0.2, 0.4 एंड 0.3, ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं कंडीशनल प्रॉफिट 70, तो इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए, डिमांड 70 की है और 70 ही परचेज किए जा रहे हैं। और हमने क्या स्टडी किया था कि कंडीशनल प्रॉफिट निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ रोजेस सेल किए गए इनको मार्जिनल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, और जितने रोजेस सेल नहीं हुए उनको मार्जिनल लॉस से मल्टीप्लाई करना है। और अगर सेल जीरो है तो हम केवल और केवल नंबर ऑफ रोजेस को मार्जिनल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके कंडीशनल प्रॉफिट की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने सेल हुए, जितनी डिमांड है उतने ही सेल हो गए, तो 70 की ही डिमांड थी, 70 सेल हो गए तो सारे के सारे सेल हो गए। तो इसका मतलब 70 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कितने से, इक्वल टू 20, तो 70 × 20 कितना आएगा 1400, ठीक है। अब यहाँ पर डिमांड कितने की है, 80 की है, और परचेज कितने के हैं, 70 के 70 सेल हो गए, अनसोल्ड तो कोई है नहीं, अनसोल्ड तो जीरो है, तो डिमांड जो आपका टोटल प्रॉफिट रहेगा वो 1400 ही रहेगा। ऐसे ही डिमांड सब जो परचेज है वो 70 की है, डिमांड भले ही 90 की रही हो, तो इसका मतलब 70 की 70 सेल हो गए, तो 70 सेल हुए तो 70 पर प्रॉफिट आ गया 1400 का, ठीक है। ऐसे 17 की परचेज है, 100 की डिमांड है, तो भी 1400 का ही कंडीशनल प्रॉफिट आएगा। नाउ कम टू दिस वन, 80 की परचेजिंग है और डिमांड कितनी की, 70 की है, तो 70 तो सेल हो गए और 10 अनसोल्ड रह गए, तो 70 की सेल हो गई तो 1400 का तो प्रॉफिट हो गया इससे, और लॉस कितने का हुआ, एक डोजन का 10 का है तो 10 डोजन आपके नहीं बिके, तो 100 का लॉस हो गया। 1400 - 1300 कितना जाएगा, 1300 जाएगा, दैट इज क्लियर। ऐसे देखिए यहाँ पर 80 की है डिमांड, सॉरी 80 की है परचेजिंग, और डिमांड कितने की, 80 की, तो 80 की 80 सेल हो गए, अनसोल्ड तो कोई है ही नहीं, और प्रॉफिट कितने का है, 20 का, तो 8 × 16, 1600 रुपये का इसका कंडीशनल प्रॉफिट हो गया। ऐसे यहाँ देखते हैं 80 की डिमांड है, सॉरी 80 की परचेजिंग है और 90 की डिमांड है, तो 80 की 80 सेल होगा इसके, तो 1600 ही रह गए। ऐसी 80 की परचेजिंग है, 100 की डिमांड है, अभी 1600 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी 90 की परचेजिंग कितने की है, 90 की परचेजिंग अगर होती है और 70 की डिमांड रहती है तो 70 तो सेल हो जाएंगे इसके, तो 70 पर प्रॉफिट कितना हो गया, 1400 रुपये का हो गया। अब 200 इसके सेल नहीं हुए, 90 - 70 20 सेल नहीं हुए, सॉरी 20 सेल नहीं हुए, तो 20 पर कितने का लॉस हो गया, 20 पर लॉस हो गया इसका 200 रुपये का, और कितने पे गए थे इसके, 1400 रुपये के, और कितने का नेट प्रॉफिट कितने का हो गया इसको, 1200 रुपये का। इस कंडीशन में ये कंडीशनल प्रॉफिट आ गया। ऐसे निकालेंगे 90 की परचेज है, 80 की डिमांड है, तो 80 सेल हो गया इसका, मतलब 80 सेल हो गए तो 1600 रुपये मिल गए इसको यहाँ पर, और 10 बिके नहीं इसके, तो 10 के 100 रुपये गए इसके, 16 में से गया 15, तो 1500 इसका हो गया कंडीशनल प्रॉफिट। अब 90 की परचेज है, 90 की डिमांड है, तो 90 की 90 सेल हो गए, 9 × 18 हो गया इसका, 90 की परचेज है, 100 की डिमांड है, तो 90 सेल हो गए इसका, मतलब 1800। अब फोर्थ केस की बात करते हैं, 100 की, 100 के केस में परचेज 100 की है, 70 की डिमांड है, तो 70 का अगर डिमांड है तो 1400 रुपये तो उसके मिल गए उसे 70 सेल करने के अलावा, लेकिन 30 जो सेल नहीं हुए उस पर 300 रुपये का लॉस हो गया उसको, तो 1400 - 300 यानी कि ये हो गया इसके पास 1100 का कंडीशनल प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही 100 की परचेज है, 80 की डिमांड है, तो 8 × 1600 तो मिल गया यहाँ से, और 20 रुपये का, 20 पर 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो 1600 - 200 कितने हो गए, 1400 रुपये, ठीक है। ऐसे ही
100 की परचेज है, 90 की डिमांड है, तो 90 तो सेल हो गया, 1800 मिल गया इसको, लेकिन 10 जो सेल नहीं हुए उसके 100 रुपये चले गए इसके, तो 1800 में से 100 गए, 1700 का इसको कंडीशनल प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही 100 की परचेज है, 100 की डिमांड है, तो 100 सेल हो गया इसके, तो 100 × 20 कितना हो गया, दैट इज 2000, ये इसका कंडीशनल प्रॉफिट आ गया इस पर्टिकुलर केस में। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है ड्यू टू कोर्सेज ऑफ एक्शन 70, और इसके लिए मैं प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करूंगा उसके करेस्पॉन्डिंग कंडीशनल वैल्यू से या कंडीशनल प्रॉफिट से। तो कंडीशनल प्रॉफिट को करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को निकालना है। तो पहले मैं 70 केस की बात करता हूँ, तो 1400 × 0.1 कितना जाएगा, ये 140, 1400 × 0.2 1428, ये हो जाएगा 280। नेक्स्ट वन इज 1400 × 0.4 1456, 560, 1448, 480, ऐसे निकालिए 80 के लिए। 1300 × 0.1 ये आएगा 130, 1600 × 0.2 1632, 320, ऐसे निकालिए 1664, 640, 1648, 480, ऐसे 90 के लिए निकालेंगे, 12 × 12 120, 1500 × 0.2 1530, 300 हो जाएगा ये, 18 × 72 720 हो जाएगा ये, ठीक है, और 18 × 54 यानी कि 540 हो जाएगा। अब यहाँ निकाल लेते हैं 1100 × 0.1 ये कितना आएगा, 110, 1400 × 0.2 1428, 280, 1700 × 0.4 1751, 1751, 1768, 680, 2000 × 0.3 करेंगे, 2×6 600, ठीक है। अब निकालेंगे हम ईएमवी की वैल्यू, और ईएमवी का फॉर्मूला क्या है, समेशन पीआईजे इनटू पीआई, और इसका मतलब हमें इन सबको टोटल कर लेना है, तो टोटल लीजिए इसका, 8 × 12 और 6 × 18 और 8 26 × 6 2 8 × 4 और 8 12 12 × 6 18 26 × 6 14 42 सॉरी 420 होगा, ठीक है। अब फिर टोटल कर लेते हैं इसका, 4 × 8 12 और 6 × 18 = 20 और 0 2 और 1 3 और 5 और 5 10 और 4 14 दैट इज 1400। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 0 3 और 5 और 4 9 और 8 17 7 1 और 1 2 और 3 5 और 6 11 और 4 15 1570। इसका टोटल कर लेते हैं, 0 2 2 4 4 8 1 और 3 4 4 11 और 5 16 1680 आ गया इसका। इसका टोटल कर लेते हैं, 0 8 और 1 9 9 और 8 17 10 7 1 और 1 2 और 2 4 और 6 10 और 6 16 1670, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ चुकी हैं इन रिलेशन टू द ईएमवी इन रिफरेंस टू डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस। अब यहाँ देखते हैं हमें कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, जिसकी ईएमवी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, एंड ईएमवी इज मैक्सिमम 1680, दिस इज द मैक्सिमम ईएमवी, सिंस मैक्सिमम EMV इज इक्वल टू 1680, तो इसका मतलब जो 90 डोजेंस है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा इस केस में कि ईच इवनिंग, सो ईच इवनिंग पार्कर शुड ऑर्डर 90 डोजेंस ऑफ रोजेस, और जो 1680 होगा ये आएगा इसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट। द क्वेश्चन इज क्लियर एंड द सॉल्यूशन इज वेरी मच क्लियर। ओके, थैंक यू।